तो भाई लोग, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान के बीच में जो पीएसएल 2024 का मैच नंबर 27 है, इसमें हम कैसे फंटेसी लीग या हम ड्रीम इलेवन में बढ़िया कर सकते हैं, मतलब कैसे ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। जैसे आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि मैं क्यों जीत जाता हूं ग्रैंड लीग, तो भाई साहब आप भी जीत सकते हो। कैसे जीत सकते हो, बस आपको पूरी वीडियो देखनी, क्योंकि वीडियो में मैं बताऊंगा किसको कैप्टन करना है, किसको वाइस कैप्टन करना, कौन से 11 खिलाड़ियों के साथ आपको टीम बनानी। यकीन मानिए, आपने फंटेसी क्रिकेट की ना इससे पहले बहुत सारे लोगों को वीडियो देखी होंगी, लेकिन जो एनालिसिस, जो एक्यूरेसी मैं दिखाऊंगा ना, आपको कहीं और नहीं मिलेगी। देखो मैं नहीं कहता, मेरा यकीन करो, पहले फर्स्ट आप क्या करो, मेरी पूरी वीडियो देखो। वीडियो देखने के बाद जब मैच होगा, मैच से मैच करना, मतलब मिलाना आप, और ये मिलाना है आपको कि क्या जो मैंने वीडियो में बोला वही चीज़ हुई कि नहीं हुई। अगर होती है तो मतलब मैं सही कह रहा, नहीं होती तो मतलब मैं गलत कह रहा। तो एक बार मेरी वीडियो ज़रूर देखे, मैच के बाद आपको पता चल जाएगा मैं कितना सही कितना गलत बोलता हूँ। और बीच में ना मैं आपको एक टिप्स दूंगा, उस टिप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया तो भाई साहब एक कमाल होगा, एक जादू होगा। जादू कुछ यूँ होगा, हम में आप में से कोई एकाता ग्रैंड जीतेगा, बाहर का बंदा नहीं जीतेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्लेइंग इलेवन क्या होगी। तो मुझे लगता है मैथ्यू फोर्ड की जगह पे ना नसीम साहब पूरी तरह से फिट रहेंगे, तो वो खेल सकते हैं। बाकी की जो टीम है बिल्कुल सेम रहने वाली। मुल्तान सुल्तान की बात करें तो मुझे लगता है कि डेविड मलान की जगह पे ना मे बी उस्मान खान को खिलाया जा सकता है। थोड़ा सा हाथ से चेंज हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये चेंज जो होने वाला है। बाकी आप टेंशन मत लो, मैच स्टार्ट होने के 2 से 3 घंटे पहले ना दोनों टीमों की जो फाइनल प्लेइंग इलेवन है वो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप बोलोगे बस प्लेइंग इलेवंस, तो भाई लोग आपको इस मैच की ना प्लेइंग इलेवंस के साथ ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम भी मिलेगी, एक नहीं दो नहीं तीन तीन, कहाँ पे, मेरे टेलीग्राम पे। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। अप्सा विन फंटेसी के नाम से भाई का टेलीग्राम है। आपको सभी मैचों की मैच स्टार्ट होने के आधे घंटे पहले 2 से 3 ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम चाहिए तो मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। अगर हम इस मैच की बात करें तो जो मैच है ना रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी के मैदान पे खेला जाएगा। इस मैदान पे T20 डोमेस्टिक के 23 मैच खेले गए, 10 मैच में टारगेट डिफेंड, 13 मैच में टारगेट चेज, मतलब यहाँ के मैदान पे चेज और डिफेंड की जो कहानी है ना वो बिल्कुल बराबरी की, क्योंकि यहाँ का जो पिच है बिल्कुल एक जैसा है, बदलता बदलता नहीं, चाहे पहले बैटिंग करो बाद में बैटिंग करो, एवरेज स्कोर है 188 रन, मतलब हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। इस मैदान का जो हाईस्ट स्कोर है 262 रन जो कि मुल्तान सुल्तान के नाम पर है, लोएस्ट स्कोर है 91 विकेट जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम पर है। ये जो स्कोर है ना ये 20 ओवर का स्कोर नहीं है, इतना याद रखना। एंड इस मैदान पर जो हाईएस्ट टोटल चेज हुआ है 242 रन, जिसे मुल्तान सुल्तान ने पेशावर जालमी के सामने 2023 में किया था। लोएस्ट टोटल डिफेंड की बात करें तो 162 रन, जिसे लाहौर कलंदर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने इसी सीजन पीएसएल 2024 में किया था। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 के नीचे 4 बार स्कोर बना, 150 से 169 के बीच में 3 टाइम स्कोर बना, 170 से 189 के बीच में 5 टाइम स्कोर बना, 190 या इससे ज़्यादा फर्स्ट इनिंग में 11 बार स्कोर बना है। तो भाई लोग स्कोरिंग पैटर्न देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैच यहाँ पे हाई स्कोरिंग हुए, बस कुछ मैच मीडियम स्कोरिंग एंड लो स्कोरिंग हुए। लो स्कोरिंग कैसे हुआ, जैसा पिछला मैच कराची किंग्स ने खेला, जिनकी टीम में टेस्ट वाले बल्लेबाज होंगे वो मैच तो लो स्कोरिंग होगा, नहीं तो यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच ही होते हैं। क्यों, क्योंकि भैया पिच तो बिल्कुल फ्लैट है ना, बैटिंग के लिए बिल्कुल जबरदस्त है। बॉडी लेंथ की बात करें तो मीडियम है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी ना बहुत ज़्यादा छोटी, प्रॉपर बैटिंग पिच है, तो चौके छक्के तो यहाँ पे लगते रहते हैं। जब चौके छक्के ज़्यादा लगेंगे तो मैच तो हाई स्कोरिंग होना ही है। हेल्प की बात करें, विकेट की बात करें, जो गेंदबाज ब्रेसन अच्छी करते हैं, नकल बोल स्लोवर है, जो स्पिनर मिश्रल बहुत अच्छा कर लेते हैं, उनको विकेट मिल जाते हैं। पिटाई तो उनकी भी होती रहती है लेकिन उनको विकेट मिल जाते हैं, तो इसलिए हाई स्कोरिंग मैच होते हैं। कुछ गेंदबाजों को विकेट मिल जाता है, ऐसा पिच है तो कौन से प्लेयर बढ़िया रहेंगे एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कोलिन मुनरो की, जिन्होंने आखिरी के 10 मैच में 281 रन बनाए 2 हाफ सेंचुरी के साथ। जो इनकी फॉर्म है ऊपर नीचे, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, 194 रन बना चुके हैं मुल्तान सुल्तान के सामने जो कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। 11 मैच खेला है, 280 रन बनाए हैं रावलपिंडी के मैदान पे 2 हाफ सेंचुरी के साथ। मतलब इस मैदान पे भी जो इनकी फॉर्म है वो ऊपर नीचे होती रहती है, लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस कोलिन मुनरो नहीं कर पाते। ओसामा मीर, डेविड विली एंड मोहम्मद अली के सामने थोड़ा सा बल्लेबाजी करते हुए फंसते हैं। मुझे लगता है जो कोलिन मुनरो है ना आज की मैच में बहुत ज़्यादा खास पारी ना खेल पाएंगे, 15-20-25 बहुत ज़्यादा, 25 इससे ज़्यादा नहीं। तो ओवरऑल कोलिन मुनरो आज के मैच में ना अच्छा पॉइंट्स नहीं देने वाले, तो इन भाई साहब को आज के मैच में क्या करना है, अपनी फंटेसी क्रिकेट की टीम में जगह नहीं देनी। बात करेगा हम यहाँ पे एलेक्स हेल्स की, आखिरी के 10 मैच में 214 रन बनाए, बस 1 हाफ सेंचुरी लगाई। तो मतलब एलेक्स हेल्स बड़ा प्लेयर है लेकिन बड़ी
परफॉर्मेंस इस पीएसएल में अभी तक नहीं निकली। 177 177 बना चुके मुल्तान सुल्तान के सामने, यानी मुल्तान वाले इनको कभी भी अपने सामने बढ़िया खेलने नहीं देते। 9 मैच खेला है रावलपिंडी के मैदान पे, 199 एक हाफ सेंचुरी, मतलब बैटिंग पिच है रावलपिंडी का, फिर भी एलेक्स हेल्स के बल्ले से बहुत अच्छी पारियां यहां पे अभी तक नहीं निकली एक पारी को छोड़कर। डेविड बिली, ओसामा मीर एंड खुशदिल शाह के सामने बल्लेबाजी करते हुए थोड़ा सा फंसते हैं, लेकिन सबको पता है ना इस्लामाबाद का करो या मरो वाला मैच है, और ऐसे मैच में बड़ा प्लेयर हमेशा बड़ी परफॉर्मेंस करते हैं, तो वो बड़ा प्लेयर कौन हो सकता है, बड़ी परफॉर्मेंस किसकी हो सकती है, एलेक्स हेल्स की। 70-80-90 क्या पता शतक, मतलब जब इतनी बढ़िया एलेक्स हेल्स पारी खेलने वाले तो बहुत बढ़िया पॉइंट्स देंगे, इसलिए इनको टीम में जगह दें। जगह देने के साथ साथ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन करें, किसको, एलेक्स हेल्स को। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें आगा सलमान की, आखिरी के 10 मैच में 319 रन बनाए, 2 हाफ सेंचुरी लगाई, 4 विकेट निकाला, तो कहीं ना कहीं बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर एक आधा विकेट भी निकाल देते हैं आगा सलमान। 2 मैच खेला 77 रन बनाए मुल्तान सुल्तान के सामने, जिसमें से एक मैच में 52 रन की पारी भी खेली, 2 मैच 70 रन रावलपिंडी मैदान पे, यानी 35 का एवरेज, तो कहीं ना विकेट ना तो मुल्तान के सामने मिला ना रावलपिंडी के मैदान पे मिला, क्योंकि गेंदबाजी बहुत कम करते हैं। अब्बास अफरीदी एंड खुशदिल शाह के सामने बल्लेबाजी करते हुए थोड़ा सा फंसते जरूर है, मुझे लगता है बहुत लंबी पारी तो नहीं, लेकिन 35-40-50 मतलब 30 से 50 के बीच में रन बनाकर आपको ठीक ठाक पॉइंट्स दे सकते हैं, अगर गेंदबाजी करेंगे तो सकता है विकेट वहां पे ना मिले, लेकिन बल्लेबाजी से ठीक ठाक पॉइंट्स आगा सलमान दे सकते हैं, इसलिए इनको आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। वहीं बात करें सदाब खान की, तो बिना बोले मैं बोल देता हूं कि फिर से इनको कैप्टन एंड वाइस कैप्टन कर दो, बड़ा प्लेयर है, बड़ा मैच है, बड़ी पारी आएगी। आंकड़े बता दूं सदाब खान के, तो आखिरी के 10 मैच में 254 रन बनाए, 2 हाफ सेंचुरी के साथ 10 विकेट निकाला, आंकड़े उतने ज्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। 220 रन बना चुके मुल्तान सुल्तान के सामने, 16 विकेट ले चुके हैं, यानी मुल्तान सुल्तान के सामने हमेशा बढ़िया ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करते हैं सदाब खान, बाकी रावलपिंडी के मैदान पे 12 मैच खेला, 387 रन बनाए, 3 हाफ सेंचुरी के साथ, मतलब इस मैदान पे हमेशा बढ़िया बल्लेबाजी करके देते हैं कौन, सदाब खान। हालांकि विकेट 9 ही मिले हैं, तो विकेट ज्यादा सदाब को नहीं मिलता इस पे, लेकिन बल्लेबाजी हमेशा बढ़िया करते हैं। ओसामा मीर, शहनवाज धानी ने अब्बास अफरीदी के सामने बल्लेबाजी करते हुए थोड़ा फंसते जरूर है, लेकिन मुझे लगता है आज गेंदबाजी भी अच्छी करेंगे और बल्लेबाजी भी अच्छी करेंगे, 1-2 विकेट इनके खाते में होगा और 70-80 रन या मतलब 40-60 रन के बीच में पारी, अगर 40-60 मतलब 60-55 की पारी खेलते हैं, 2 विकेट ले जाते हैं या 1 विकेट ले जाते हैं तो बढ़िया पॉइंट्स देंगे ना, जब इतना बढ़िया पॉइंट्स दे रहे हैं तो सदाब खान को टीम में रखो, साथ में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी करो आज के इस मैच में। बाकी अगर हम यहाँ पे आजम खान की बात करें, आखिरी के 10 मैच में 198 रन, 2 हाफ सेंचुरी, मतलब जब चलते हैं तो बहुत लंबी पारी खेल देते हैं, नहीं तो बिल्कुल टाइम फिस रहते हैं, कौन, आजम खान। 131 रन बना चुके मुल्तान सुल्तान के सामने, यानी मुल्तान के सामने इनकी भी जो परफॉर्मेंस होती वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहती। 7 मैच खेला है, 158 बनाए रावलपिंडी के मैदान पर, बस 1 हाफ सेंचुरी आई है, थोड़ा 5वें नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं, बल्लेबाजी भी थोड़ा सा नीचे आती है, लेकिन जब भी आती है तो कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, मतलब लगातार कंटिन्यू रन नहीं बना पाते आजम खान। ओसामा मीर, अब्बास अफरीदी एंड इफ्तिकार अहमद के सामने थोड़ा सा बल्लेबाजी करते हुए फंसते भी हैं, कौन, आजम खान, और मुझे लगता है आजम खान जो है ना आज के मैच में ही नहीं चलेंगे, 5-10-15 बना के फ्लॉप हो जाएंगे, तो आई थिंक आजम खान को आज के मैच में ना हमें अपनी टीम में जगह नहीं देनी चाहिए, इनको कर दो बाहर। हैदर अली की बात करें, तो आखिरी के 10 मैच में 191 रन बनाए, 1 हाफ सेंचुरी के साथ, पिछले मैच में बढ़िया पारी खेली थी, लेकिन ओवरऑल 30 नंबर के बल्लेबाज है, अभी 4वें-5वें-6वें नंबर पे कब खेले कुछ पक्का सक्का नहीं है इनका। 137 रन बना चुके मुल्तान सुल्तान के सामने, तो मुल्तान के सामने हैदर अली का भी जो रिकॉर्ड है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। 8 मैच खेला है, 219 रन बनाए हैं रावलपिंडी के मैदान पे, बैटिंग पिच है, और इस सीजन छोड़ के लगभग ये ऊपर ही बल्लेबाजी करी है इन्होंने, 3रे नंबर 4थे नंबर कभी कभी ओपन भी आ गए हैं। अब्बास अफरीदी खुशदिल शाह के सामने बल्लेबाजी करते हुए थोड़ा सा फंसते हैं, और मुझे लगता है हैदर अली ना एक तो नीचे बल्लेबाजी करेंगे, ऊपर से मुझे लगता है ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाएंगे, 5-10-15 बना के इससे ज्यादा नहीं, तो आई थिंक ज्यादा कुछ खास पॉइंट्स आपको नहीं दे पाएंगे, इसलिए इनको अपनी टीम में जगह नहीं देना। बात करें अगर हम यहाँ पे इमाद वसीम की, आखिरी के 10 मैच में 21 रन 8 विकेट, किसी ने सोचा नहीं होगा कि इमाद वसीम की इतनी खराब परफॉर्मेंस आएगी, इतना खराब दिन देखना पड़ेगा, लेकिन भैया क्रिकेट है, क्या क्या चीजें दिखा देता है किसी को कुछ नहीं पता होता। 174 रन बना चुके हैं इससे पहले मुल्तान सुल्तान के सामने, 11 विकेट, गेंदबाजी तो ठीक ठाक करी है मुल्तान सुल्तान के सामने, लेकिन बल्लेबाजी कभी भी इमाद की नहीं चली मुल्तान के सामने। हालांकि रावलपिंडी के मैदान पे 8 मैच खेला, 242 रन बनाए, 2 हाफ सेंचुरी लगाई, साथ में 9 विकेट निकाला, तो कहीं ना कहीं इस मैदान पे रावलपिंडी के मैदान पे जो इमाद वसीम है ना इनकी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस आती है।
अब्बास अफरीदी, शहनवाज धानी एंड ओसामा मीर के सामने बल्लेबाजी करते हुए थोड़ा सा फंसते भी हैं, तो इमाद का आज क्या होगा? मुझे लगता है आज ना गेंदबाजी में वही 4 ओवर 22-24 रन, एक आता विकेट, बल्लेबाजी में ज़्यादा कुछ ना कर पाएंगे, तो ओवरऑल बहुत अच्छा पॉइंट्स इमाद वसीम नहीं देंगे, इसलिए इमाद वसीम को भी आज के मैच में अपनी टीम में जगह नहीं देनी चाहिए। बात करें फहीम अशरफ की, तो आखिरी के 10 मैच में 88 रन बनाए, 6 विकेट निकाला, पूरा PSL खराब गया। पिछले 1-2 मैच से बस बढ़िया परफॉर्मेंस इनकी आई, नहीं तो पूरे में फ्लॉप ही रहे। मुल्तान के सामने इससे पहले 139 रन बनाया, 11 विकेट निकाला है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्योंकि बल्लेबाजी बहुत नीचे करते तो रन तो हटा दो, लेकिन गेंदबाजी ठीक ठाक मुल्तान के सामने अब्बास फहीम अशरफ ने करी है। बाकी रावलपिंडी के मैदान पे इन्होंने अभी तक 11 मैच खेला, उन 11 मैचों में 198 रन और 10 विकेट, 198 रन 198 रन 10 विकेट 11 मैच, देखा जाए तो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के हिसाब से ठीक ठाक है। ओवरऑल बहुत जबरदस्त नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है फहीम अशरफ को आज के मैच में टीम में जगह देनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है गेंदबाजी में ना 1-2 या 3 विकेट, 2 विकेट तो ले ही जाएंगे, और बाकी मुझे लगता है बल्लेबाजी मुश्किल है, अगर आएगी तो 20-25-30 लंबी पारी, लेकिन 20-25-30 की पारी भी खेल सकते हैं, तो ओवरऑल पॉइंट्स बढ़िया देने वाले कौन? फहीम अशरफ, इसलिए इनको टीम में जगह दें। बाकी अगर हम यहाँ पे नसीम शाह की बात करें, तो नसीम शाह ने आखिरी के 10 मैच में 16 विकेट चटका है, करंट परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, 6 विकेट ले चुके मुल्तान सुल्तान के सामने, जो कि मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी रावलपिंडी के मैदान पर 6 मैच खेला, 6 विकेट निकाले, तो इस मैदान पर भी उतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन जिस तरह से इनकी जो बॉल है मैंने देखा, कितनी भी सपोर्ट पिच हो, लेकिन जो स्विंग इनको मिलता है ना आज के टाइम पे, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा गेंदबाज है इस लेवल का स्विंग कोई से भी पिच हो करवा के दे रहा हो, तो मुझे लगता है 2-3 विकेट तो लौड़ा चटकाने वाला नसीम साहब, बढ़िया पॉइंट्स देने वाला है, तो इनको भी अपनी टीम में जगह दे। बाकी अगर हम यहाँ पे हुनैन शाह की बात करें, तो इन्होंने PSL के 6 मैच खेल लिए, 6 मैच में 6 विकेट निकाले, रावलपिंडी के मुल्तान सुल्तान के सामने पहली बार मैच खेलेंगे, बाकी रावलपिंडी के मैदान पे 2 मैच खेला, 3 विकेट निकाले, मतलब सपाट पीछे 2 मैच 3 विकेट, तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है कि इनके भाई को रख रहे हैं तो इनको भी रख लो, ये भी 2-3 विकेट चटका के आपको बढ़िया पॉइंट्स आज के मैच में दे सकते हैं। कौन? हुनैन शाह। तो नसीम शाह को भी रखें, छोटे भाई हुनैन शाह को भी रखें। बात करें टाइमल मिल्स की, तो इन भाईजान को ना रखें। क्यों? पहले थोड़ा आंकड़े बता देता हूं मैं। आखिरी के 10 मैच में 15 विकेट चटका है, जो कि आंकड़े तो आप बोलोगे तो अच्छा है, हाँ बिल्कुल अच्छे हैं। 3 मैच खेला मुल्तान सुल्तान के सामने, 4 विकेट निकाले, मतलब एक आधा विकेट मुल्तान सुल्तान के सामने मिल जाता, ज्यादा नहीं मिलता। 3 मैच खेला रावलपिंडी के मैदान पे, 5 विकेट चटका, जिसमें से 2-3 विकेट पिछले मैच में आए, उससे पहले इस मैदान पे ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए टाइमल मिल्स। मुझे लगता है आज की भी मैच में ना एक आधा विकेट मिलेगा, बहुत ज्यादा विकेट टाइमल मिल्स को नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा पॉइंट्स नहीं देंगे, इसलिए इन भाईजान टाइमल मिल्स को अपनी टीम में जगह ना दें। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें मोहम्मद रिजवान की, आखिरी के 10 मैच में 328 रन बनाए, 3 हाफ सेंचुरी लगाई। कोई और प्लेयर होता मैं तो कहता कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन रिजवान के लेवल के हिसाब से ना उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, जब तक 10 मैच में 500+ स्कोर ना दिखे फिर भी ठीक ठाक है। 404 रन बना चुके इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने, यानी इस्लामाबाद के सामने इनकी बल्लेबाजी चलती है। 6 मैच खेला, 225 रन बनाए रावलपिंडी के मैदान पे 2 हाफ सेंचुरी के साथ। आई थिंक 6 मैच में ना 4 हाफ 1/2 सेंचुरी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई, क्योंकि 1-2 मैच में 32-40 रन बना के आउट हो गए थे। सदाफ खान, फहीम अशरफ एंड इमाद वसीम, मतलब उधर के तीनों धुरंधर के सामने आउट जरूर हुए हैं, आज भी आउट होंगे किसी एक आधा धुरंधर के सामने, लेकिन तब तक 70-80-90 तो मार ही देंगे। जब 70-80-90 मारेंगे तो रिजवान बढ़िया पॉइंट्स देने वाले हैं ना, तो जब रिजवान इतना अच्छा पॉइंट्स देने वाले हैं तो इनको अपनी टीम में जगह दे, जगह देने के साथ साथ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन करें। किसको? मोहम्मद रिजवान को। बाकी रिजा हेंड्रिक्स की बात करें, तो आखिरी के 10 मैच में 358 रन बनाए, 4 हाफ सेंचुरी के साथ, तो गजब की फॉर्म में। आई थिंक सबसे ज्यादा रन बनाया होगा मुल्तान सुल्तान के लिए इन्होंने अभी तक। जो इस्लामाबाद के सामने इससे पहले वाला मैच खेला था उसमें 58 रन बनाए थे, बढ़िया पारी खेली थी, लेकिन रावलपिंडी के मैदान पर जो 1 मैच खेला उसमें 5 रन बना के निपट गए थे। टाइमल मिल्स के सामने थोड़ा सा फंसते हैं, लेकिन मुझे लगता है रिजा हेंड्रिक्स भी ना रिजवान का अच्छा साथ देंगे। अच्छा साथ देने का मतलब है कि 40-50 रन की पारी ये भी खेल सकते हैं, जब 40-50 रन की पारी खेलेंगे तो ये भी आपको बढ़िया पॉइंट्स देंगे, जब बढ़िया पॉइंट्स देंगे तो रिजा हेंड्रिक्स को भी अपनी टीम में जगह देते हैं। बाकी उस्मान खान की बात करें, आखिरी के 10 मैच में 346 रन बनाए, 1 शतक, 2 हाफ सेंचुरी, तो मतलब जो इनकी भी फॉर्म है वो भी काफी ज्यादा जबरदस्त है। हालांकि इस्लामाबाद के सामने 2 मैच खेला, 51 रन बनाए, दोनों मैच में इस्लामाबाद के सामने नहीं चले हैं। बाकी रावलपिंडी के मैदान पे 1 मैच खेला, उस मैच में 120 रन बना दिए। फहीम अशरफ एंड सदाफ खान के सामने थोड़ा सा बल्लेबाजी करते हुए फंसते हैं, लेकिन
मैं मानता हूँ 120 हर दिन नहीं बनते, लेकिन 50, 30, 35, 40, 50 रन तो बन सकते हैं ना। तो मुझे लगता है बहुत लंबी पारी नहीं, लेकिन 40, 50 रन की ताबड़तोड़ पारी ये भी खेलने वाले कौन? उस्मान खान। तो ये भी आपको बढ़िया पॉइंट्स देंगे, इनको भी आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। बात करेगा हम यहाँ पे तैयब ताहिर की, तो आखिरी के 10 मैच में 238 रन बनाए, 2 हाफ सेंचुरी के साथ। तो इनकी भी परफॉर्मेंस बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है, ठीक ठाक खेला है इन्होंने। एक मैच हालांकि इस्लामाबाद के सामने खेला था, 13 रन बनाए थे तो नहीं चल पाए थे। 4 मैच खेला रावलपिंडी के मैदान पे, सिर्फ 56 रन बनाए, तो मतलब रावलपिंडी के मैदान पे भी बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। सदाब खान के सामने फंसते हैं, तो सदाब इतना भी खराब गेंदबाज नहीं कि तैयब ताहिर भाई को चलने थे। मुझे लगता है तैयब ताहिर 2-4-10 रन के मेहमान है आज के मैच में, बहुत अच्छा पॉइंट्स नहीं देंगे, इसलिए इनको भी हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह वगैरह नहीं देनी चाहिए। अब बात करते हैं किसकी? चच्चा की। कौन से चच्चा? इफ्तिकार चच्चा, पहले तो सलाम कर लो इनको। आखिरी के 10 मैच में इफ्तिकार चच्चा ने 202 रन बनाए, 3 विकेट निकाला, 202 रन 3 विकेट, बहुत अच्छा है ना जी? ना, बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 मैच में फिनिश अच्छा किया इन्होंने। 207 रन बना चुके इस्लामाबाद के सामने, 2 विकेट भी ले चुके हैं। 207 रन 2 विकेट, ठीक ठाक है बल्लेबाजी, गेंदबाजी में तो बहुत कम करते हैं ये। अब 8 मैच खेला है रावलपिंडी के मैदान पे, 156 रन बनाए, 2 हाफ सेंचुरी। पहली बात तो 5वें 6वें नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं, तो बल्लेबाजी कम आती है, लेकिन जब भी आती है 40-50 रन ठोक डालते हैं इफ्तिकार चच्चा। फहीम अशरफ, सदाब खान एंड इमाद वसीम के सामने बल्लेबाजी करते हुए थोड़ा सा फंसते भी हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से इफ्तिकार चच्चा फॉर्म में है ना, चच्चा फिर से 15-20 बॉल में 35-40 रन मार के जाएंगे। जब 35-40 रन मार के जाएंगे तो इफ्तिकार चच्चा ठीक ठाक पॉइंट्स आपको दे रहे हैं। गेंदबाजी फिर से कहा ओवर करेंगे, विकेट मिले या ना मिले, लेकिन रन तो मार के जाएंगे, इसलिए इनको भी आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। बात करें अगर हम यहां पे खुशदिल शाह की, तो आखिरी के 10 मैच में 93 रन बनाए, 4 विकेट निकाला, बल्लेबाजी बहुत नीचे आती, जब आती है तो चलते भी नहीं है खुशदिल शाह। 141 रन बना चुके इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने, 5 विकेट ले चुके, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं दिख रही मेरे को। 7 मैच खेला रावलपिंडी के मैदान पर, 91 रन बनाए, और इस मैदान पर इनका विकेट का खाता नहीं खुला, मतलब इस मैदान पर ना तो खुशदिल शाह की बल्लेबाजी चलती है और ना ही गेंदबाजी चलती है। नसीम शाह, सदाब खान एंड रुमान रईस के सामने थोड़ा सा बल्लेबाजी करते हुए फंसते भी हैं, मुझे लगता है खुशदिल शाह आज खुश ना कर पाएंगे मुल्तान सुल्तान को, तो हमें भी ना इनको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर इनको रख लेंगे तो हम भी खुश ना होंगे, क्योंकि ना तो बल्लेबाजी चलेगी ना गेंदबाजी चलेगी, तो ओवरऑल ये आपको बहुत अच्छा पॉइंट्स नहीं देंगे। बात करेगा हम यहाँ पे क्रिस जॉर्डन की, तो आखिरी के 10 मैच में 109 रन बनाए, 13 विकेट निकाला, 109 रन 13 विकेट, देखा जाए तो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है ना। हाँ जी बिल्कुल ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है। 4 मैच खेला इस्लामाबाद के सामने, 37 रन बनाए, 7 विकेट निकाले, रन तो हटाओ क्योंकि बहुत नीचे बल्लेबाजी करते, 4 मैच में 7 विकेट, यानी इस्लामाबाद को क्रिस जॉर्डन जीने न देते, गेंदबाजी अच्छी करते इनके सामने। और 3 मैच खेला रावलपिंडी के मैदान पे, 30 रन बनाए, 4 विकेट निकाला, तो इस मैदान पे भी ठीक ठाक गेंदबाजी करिए, बहुत खतरनाक करिए ऐसा भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक करी है। एंड मुझे लगता है आज के मैच में जो क्रिस जॉर्डन होंगे ना, इनको टीम में जगह देनी चाहिए। टीम में जगह देने के साथ साथ ना आई थिंक कैप्टन या वाइस कैप्टन ठोक सकते हो इनको आज के मैच में, मुझे लगता है 2-3 विकेट लेके जाएंगे। अगर धाराशाही हुई मुल्तान सुल्तान, तो ये बंदा ऐसा है कि आता है 2-4 छक्के तो बड़े आराम से मार देता है, तो मुझे लगता है कि 20-25-30 रन की पारी आ सकती है इनके बल्ले से, 2-3 विकेट, तो ओवरऑल बहुत अच्छा पॉइंट्स दे सकते हैं क्रिस जॉर्डन आज के मैच में, इसलिए इनको टीम में जगह दें। जगह देने के साथ साथ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी इनको कर डाले। वहीं बात करें अगर हम यहाँ पे डेविड बिली की, तो आखिरी के 10 मैच में 77 रन 14 विकेट, देखा जाए तो गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं, बल्लेबाजी इनकी भी बहुत नीचे आती है, तो छोड़ दो, वैसे रिजवान की टीम है, नीचे वालों को ज्यादा मौका वौका नहीं देते क्योंकि ऊपर के बल्लेबाजी काम खत्म करके आ जाते हैं। 3 मैच खेला, 23 रन बनाए, 5 विकेट निकाला इस्लामाबाद के सामने, तो इस्लामाबाद के सामने इन्होंने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है अभी तक। हालांकि जो एक मैच खेला रावलपिंडी के मैदान पे, शायद इस पे बल्लेबाजी का नंबर नहीं आया और विकेट का खाता भी ना खुला, तो मतलब इस मैदान पे डेविड बिली की जो गेंदबाजी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। एक चीज याद रखना, उधर है एलेक्स हेल्स, वो भी इंग्लैंड से, ये भी अंग्रेज, और मुझे लगता है एलेक्स हेल्स आज चलेंगे तो टारगेट कौन सा गेंदबाज बनेगा? डेविड बिली। तो मुझे लगता है डेविड बिली को हो सकता है खाता विकेट मिले, लेकिन बहुत ही ज्यादा महंगे साबित होंगे, इसलिए और बल्लेबाजी भी कुछ ना कर पाएंगे, इसलिए डेविड बिली को आज के मैच में अपनी टीम में जगह मत दो। बात करेगा हम यहाँ पे ओसामा मीर की, तो आखिरी के 10 मैच में 21 विकेट चटकाए, भैया ये होती है गेंदबाजी, सभी मैचों में 2-3 विकेट, किसी मैच में 6 विकेट, लोग छक्का मारते हैं, ये विकेट से छक्का मार देते हैं, बहुत बढ़िया भाई साहब। 13 विकेट ले चुके हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने, ये भी बहुत बढ़िया। रावलपिंडी के मैदान पे 4 मैच खेला, 6 विकेट चटकाए, सपाट पीछे, लेकिन फिर भी 4 मैच 6 विकेट, तो कोई चले ना चले ओसामा मीर की पीएसएल में गेंदबाजी हमेशा बढ़िया रहती है, और इसलिए मुझे लगता है 2-3 विकेट तो लेके जाएंगे, इसलिए इनको टीम में जगह दें। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, अगर उधर क्रिस जॉर्डन को कैप्टन एंड वाइस कैप्टन नहीं करना, तो ओसामा मीर के साथ वो रिस्क ले सकते हैं, अगर क्रिस जॉर्डन नहीं ओसामा मीर, मतलब दोनों में से एक आज बल्ले
और गेंद दोनों जगह से बढ़िया पॉइंट्स देने वाला है। गेंदबाजी से दोनों बढ़िया पॉइंट्स देंगे, उसामा मीर भी बढ़िया पॉइंट्स देंगे गेंदबाजी से, क्रिस जॉर्डन देंगे, लेकिन दोनों में से कोई एक है जो बल्ले से भी बढ़िया पॉइंट्स देगा, इसलिए या तो क्रिस जॉर्डन या तो उसामा मीर को आज के मैच में कैप्टन या वाइस कैप्टन हमें कर देना चाहिए। आफ्ताब इब्राहिम की बात करें तो इन्होंने तीन मैच खेला, तीन विकेट निकाले, बहुत ज्यादा विकेट इनको नहीं मिल रहा। रावलपिंडी के मैदान पर जो एक मैच खेला उसमें विकेट का खाता ना खुला। आज के मैच भी मुझे लगता है कि आफ्ताब इब्राहिम को एक आधा विकेट मिलेगा या वो भी नहीं मिलेगा, साथ में महंगे अलग से होंगे, तो आफ्ताब इब्राहिम को टीम में जगह मत दो क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा पॉइंट्स नहीं दे पाएंगे आज के इस मैच में। बाकी अगर हम यहाँ पे मोहम्मद अली की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 18 विकेट चटका है, 10 मैच 18 विकेट, यानी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। इस्लामाबाद के सामने एक मैच खेला, तीन विकेट चटका है, इस्लामाबाद के सामने भी बढ़िया गेंदबाजी कर चुके हैं, लेकिन रावलपिंडी के मैदान पर जो इन्होंने एक मैच खेला उसमें विकेट का खाता ना खुला, उसका रीजन ये है ना, आपको दिख रहा होगा कि रावलपिंडी के मैदान पर जो भी मतलब मुल्तान सुल्तान के नए गेंदबाज है, विकेट का खाता क्यों ना खुला, सामने बाबर आजम की टीम थी भाई साहब, और बाबर आजम उस दिन चले थे, साथ में सेम अयूब भी चले थे और एकाता कोई और चला था, तो नए लौंडों को विकेट कहाँ से मिलेगा। लेकिन इस्लामाबाद के सामने इनका रिकॉर्ड अच्छा है, एक मैच में तीन विकेट, तो मुझे लगता है आज भी ना एक दो या तीन विकेट ये चटका सकते हैं, कौन मोहम्मद अली, तो ओवरऑल ये भी आपको आज बढ़िया पॉइंट्स दे सकते हैं, तो इनको भी हमें अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। तो भाई लोग हमने यहाँ पे ना सभी प्लेयर्स के बारे में जान लिया कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है और कौन हो सकते हैं फ्लॉप, तो उम्मीद है इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी फंटासी क्रिकेट की टीम बनाने में। बाकी आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हो तो भाई साहब इंतजार हुआ खत्म, ये रही मेरी टीम, ये जो मैंने टीम बनाई है ना बहुत ही एनालिसिस करने के बाद बनाई है, अगर आप इसके साथ जाओगे तो आपके विन करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाले हैं। बाकी मैंने बोला था ना आपको एक टिप्स दूंगा, तो भैया टिप्स ये है कि सभी लोग इस टीम के साथ जाएं, लेकिन एक दो तीन प्लेयर ना ऊपर नीचे कर सकते हैं। कैसे करना है मैंने वीडियो में बताया ना, कौन ज़्यादा पॉइंट्स देगा कौन कम पॉइंट्स देगा, तो उस बिहाब पे ना एक दो तीन प्लेयर ऊपर नीचे कर लेना है, पता है फिर क्या होगा, एक जादू होगा, जादू कुछ यूं होगा, हम में आप में से कोई एकाता ग्रैंड लीग जीतेगा, बाहर का बंदा नहीं जीतेगा। बस मेरी टिप्स फॉलो करना, मेरा वादा है आपसे जो मैंने बोला वही होने वाला है, यानी जो ग्रैंड लीग है हमारी टीम में से ही कोई जीतेगा, बाहर का बंदा नहीं जीतेगा। बाकी जिन लोगों को इस मैच की दो से तीन ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम चाहिए उनको क्या करना चाहिए, उनको डिस्क्रिप्शन में जाना चाहिए, वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, या फिर जो कमेंट बॉक्स सबसे पहला कमेंट है ना वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगी। अब सब इन फंटेसी के नाम से भाई का टेलीग्राम है, मैच स्टार्ट होने के आधे घंटे पहले सभी मैचों की दो से तीन ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम चाहिए तो भाई का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की पिच रिपोर्ट मैच प्रीव्यू फंटेसी पिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।